नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति संस्कृति मॉडल के नए पैटर्न की घोषणा व पीटीआई की बहाली जैसी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर के आज प्रदेश भर में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के बैनर तले सत्याग्रह व भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। शिक्षा के लघु सचिवालय परिसर में अध्यापकों ने सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक धरना देकर सत्याग्रह व भूख हड़ताल की। धरने में शामिल आज 5 अध्यापक क्रमिक अनशन पर बैठे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। साथ ही सरकार द्वारा संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पर पुराने और अच्छे स्कूलों को बंद कर गरीब जनता के सरकारी स्कूलों को उजाड़ने का आरोप लगाया। पलपल शीर्षक से विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से आई है। ये शिक्षा नीति इस देश के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की है। इस देश के जो भाईचारा है, समता है, समानता है, उस पर हमला बोलने की है। इस शिक्षा नीति को जब हम पढ़ते हैं तो अति केंद्रीयकरण नज़र आता है इसके अंदर। इसके अंदर निजीकरण नज़र आता है और इसके अंदर सांप्रदायिकरण नज़र आता है। सबसे बड़ी बात है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 8 में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वो सारी भाषाएँ बराबर है, पर ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इन भाषाओं 22 भाषाओं को समानता का दर्जा नहीं देती है। संस्कृति मॉडल स्कूल जो बात कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, 1000 स्कूलों की लिस्ट जारी की है। इसमें इन्होंने केवल रंग पुताई करी है मेन गेट पे और कुछ नहीं किया। हम कहते हैं 1000 छोड़ो, 100 स्कूल खोल दो आप। सरसा के उस इलाके में स्कूल खोल दो जहाँ कोई स्कूल नहीं है। नए कमरे बनाओ, नया स्टाफ रखो, नई सुविधाएं दो सारी की सारी। कोरोना महामारी के चलते जो सीमाएं हैं उनमें रहेंगे हम। अभी हम जिला स्तर पे ऐसी बात कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंगें कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, ऑल इंडिया के ये प्रोग्राम चल रहे हैं और जैसे ही कुछ परिस्थितियां अलाउड करेंगी निश्चित तौर पर दिल्ली में भी घेरेंगे सरकार को जाके। तीन ही मुद्दों को लेकर अध्यापक संघ ने सत्याग्रह की काल दी है। 22 जिला मुख्यालयों पर ये जो शिक्षा नीति वापस ली जाए और ये सांस्कृतिक मॉडल स्कूल इस रूप में ना खोले जाएं, आप नए खोल लो। और सोनीपत में 56 स्कूल गोद देने की बात की, हम उसका विरोध करते हैं। और पीटीआई की बहाली का मुद्दा तो हमारा 110 दिन से चली रहा, आज भी है, वो इसी पंडाल में बैठे हैं। पहले मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ देवीलाल जी, वो मंच पे आए और वो संदेश जो लेके आए हैं जो बातचीत साथियों के बीच में रखना चाहते हैं। देवीलाल जी।